स्टार्ट करते हैं चैप्टर, थोड़ा सा आगे डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो अभी तक हमने ये चीज देखा कि पहले का जो जमाना था इसमें राजा महाराजाओं का राज था और धर्म गुरुओं का राज था, और सारे जितने मीन्स ऑफ रिसोर्सेज हैं, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, इनके कंट्रोल में हुआ करते थे। और ये लोग थे जो समाज के नियम बनाते थे दुनिया में बाकी सब लोगों को कैसे रहना है, क्या करना है, क्या पॉलिटिकल सिस्टम्स होंगे, क्या रिलीजियस सिस्टम्स होंगे। ये भगवानों के जैसे रहते थे और ये प्रीच किया करते थे कि भगवान ने इनको भेजा है इन लोगों को राज करने के लिए, चाहे जितने भी राजशाही वर्ग के हों, चाहे जितने भी धर्मगुरु वर्ग के हों। और ये 5% आबादी, 95% जितने भी गरीब लोग हैं, इनको कंट्रोल करते थे एंड एक्सप्लॉइट करते थे। यहां से ये सिस्टम बना कि ये देश होगा और बाकी जितने भी लोग हैं ये राजा की प्रजा नहीं होंगे, ये देश के नागरिक होंगे। और अब राज जो होगा वो राजा का राज नहीं होगा, ठीक है, अब राज होगा सरकार का। और ये सरकार ना इन पुराने राजाओं की होगी, तो पुराने राजाओं के से हट के अब जो सरकार बनेगी जिसको वहां के लोग चुनेंगे, यहां से ये टर्म आता है रिपब्लिक। और अब ये जो सरकार होगी ये इन धर्मगुरुओं या पुजारियों के हाथ में नहीं होगी। तो अब फ्रांस में लोग क्या करेंगे, क्या कानून आएगा, वो फ्रांस की सरकार तय करेगी, फ्रांस की चर्च नहीं तय करेगी। पहले के जमाने में चर्च तय करती थी। इस चीज को कहा गया सेक्युलरिज्म, सेपरेशन ऑफ स्टेट फ्रॉम चर्च, या सेपरेशन ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम रिलीजन। ये एक एस्पेक्ट है सेक्युलरिज्म का। और फिर बाकी और भी एस्पेक्ट हैं कि सरकार जो बनेगी सब धर्मों को बराबर देखेगी, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इस सेंस में सरकार सॉवरन है। तो सरकार को चुनेंगे सारे आम जनता के लोग, और यहां से ये वर्ड आता है डेमोक्रेटिक। और अब ये जो सिस्टम बनाया जा रहा है कि एक सरकार चुनी जाएगी और सरकार के पास राज होगा, सरकार बनाएगी कैसे कानून बनने हैं, क्या करने हैं, तो इसके लिए अलग अलग इंस्टीट्यूशंस की जरूरत पड़ी कि जो कि सरकार पे चेक रख सके और सरकार की मदद भी कर सके और सरकार पे चेक भी रख सके, कि ऐसा ना हो कि जो लोग सरकार में आए वो फिर अपने मन मर्जी करने लग जाए और बाकी जितने भी देश के नागरिक हैं इनको अपनी प्रजा के जैसा बर्ताव करने लग जाए। क्योंकि अगर आम जनता को प्रजा ही बना देना था तो ये प्रजा तो पहले ही थे। तो इतनी आजादी की जो लड़ाइयां हुई हैं, उन आजादी की लड़ाइयों का मतलब यही था कि हमें ये राजा की प्रजा नहीं बनना है, हमें इन पुजारियों की, इन धर्मगुरुओं की, चर्च की प्रजा नहीं बनना है। तो इस डेमोक्रेसी, इस सिस्टम को कहेंगे कि ये सिस्टम गरीबों के लिए काम करे, गवर्नमेंट काम करेगी टू वर्क फॉर पुअर पीपल, और आगे ये सिस्टम चलता रहे, ऐसा ना हो कि थोड़े टाइम में ये जो सरकार है फिर से ये गरीबों को वैसे ही ट्रीट करने लग जाए प्रजा के जैसा और सरकार के लोग राजा के जैसा बन जाए। तो इसके लिए अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं कि पब्लिक चुनाव में वोट करेगी, तो लोग जो चुन के आएंगे ये पार्लियामेंट में बैठेंगे जिसको लेजिस्लेचर कहा गया, कानून कौन बनाएंगे, ये लोग बनाएंगे कानून से रिलेटेड कोई भी चेंज। इनमें से कुछ लोग होंगे जिनके पास सच में ताकत होगी, स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल जिनके पास सच में एक्चुअल पावर है, इन्हें कहा जाएगा सरकार। ये भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं ये सब भी। इसके बाद अदालतों का सिस्टम होगा। पहले के जमानों में ये जो राजा थे और ये जो पुजारी थे यही लोग जज भी हुआ करते थे। तो अगर इन्हीं के खिलाफ कोई केस आपको करना है तो आपको इन्हीं से शिकायत करनी पड़ेगी कि अब राजा से आप राजा की शिकायत करोगे कि राजा बड़ा अन्याय कर रहा है। तो ये जो पावर से हटाना, जज की पावर आपके पास नहीं होगी, कानून का राज होगा। तो ये ताकत इनसे लेना कि अदालत अलग होगी। और मीडिया, पहले के जमाने में मीडिया को रहने नहीं देते थे, ये राजद्रोह में आता था कि हमारे खिलाफ कुछ आपने बोल दिया कुछ ऐसा वैसा। तो ये सब इंस्टीट्यूशंस, और ये तो मेन लेवल के इंस्टीट्यूशंस हो गए जिनको हम पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं। बाकी जो छोटे लेवल के इंस्टीट्यूशंस जैसे कैग है जो सरकार के कामों को ऑडिट करता है, बताता है कि सरकार ने इतना काम करने कहा था, इतना बजट अलॉट हुआ था, कितना कहाँ लगा, पैसा कहाँ गया। टैक्सेशन के लिए CBDT है, RBI है, SEBI है, ह्यूमन राइट्स कमीशन है, ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं। यहाँ मैंने थोड़े बहुत लिखे हैं, ऐसे बहुत सारे ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस हैं। तो यही सब इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके बारे में हमने बात करी। तो बेसिक पॉइंट्स अगर इस चैप्टर में देखें
तो इंस्टीट्यूशंस हम डिस्कस करेंगे जो है पार्लियामेंट जो कि लेजिस्लेचर कहते हैं, इसके बाद एग्जीक्यूटिव जिनके पास सच में ताकत है, और फिर जुडिशियरी। इन तीनों को हम डिस्कस करना शुरू करेंगे। तो अब ये यहां से हमने देखना शुरू किया कि कोई भी मेजर पॉलिसी डिसीजन लिया कैसे जाता है, कोई फैसला या कोई बड़ा ऐसा कानून बनता कैसे। तो हमने मंडल कमीशन का एग्जाम्पल लिया कि जैसे अगस्त 13, 1919 में ये एक गवर्नमेंट ऑर्डर आया जिसको वहां उस टाइम के ज्वाइंट सेक्रेटरी जो थे डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, उनके ज्वाइंट सेक्रेटरी ने साइन करके ये ऑर्डर निकाला। अब ये ऑर्डर भले ही ज्वाइंट सेक्रेटरी ने निकाला, लेकिन ये फैसला जो है ये ज्वाइंट सेक्रेटरी ने नहीं लिया, उन्होंने सिर्फ साइन करके एग्जीक्यूट किया। तो ये इस मंडल कमीशन के इस ऑर्डर के मुताबिक 27% रिजर्वेशन नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में दिया जाना था अदर बैकवर्ड क्लासेस को, जिनको SEBC भी कहा जाता है, और इसी चीज को हम कहते हैं जॉब्स में रिजर्वेशन। तो पहले के टाइम में मंडल कमीशन आयोग से पहले भी रिजर्वेशन होता था, इसमें शेड्यूल कास्ट के लोगों को करीब करीब 15% रिजर्वेशन होता था, शेड्यूल ट्राइब के लोगों को करीब 7.5%। ये रिजर्वेशन तो वो था जो कि अंबेडकर ने गांधी से लिया था, और इसके बाद ये 27% रिजर्वेशन एडिशनली होना था। तो अब सरकारी पदों में आधी सीटें रिजर्व हो जाएंगी, ठीक है। और ये तो इनका लॉजिक जो रिजर्वेशन वाला लॉजिक था, ये आबादी के हिसाब से था कि जब हमारी आबादी आधे से ज्यादा है तो हमें आधे का रिजर्वेशन हमें मिलना चाहिए, और जब हमारी आबादी के हिसाब से हमें रिजर्वेशन मिलेगा तब हमारे लोग अच्छे पदों में पहुंचेंगे, तो हमारे और पढ़ाई लिखाई बढ़ेगी, हमारी और ताकत बढ़ेगी समुदाय के तौर पे, और वो एक इक्वल समाज बनना शुरू होगा कहीं ना कहीं। तो इस सोच विचार से ये मंडल कमीशन ये लागू हुआ। तो मंडल कमीशन, सेकेंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन अपॉइंट हुआ 1979 में बीपी मंडल इनके अंडर में, और इसी को फिर मंडल कमीशन कहा गया। इन्होंने अपने जितने भी जांच पूरा रिपोर्ट सौंपी, पूरा पहले पूरा स्टडी किया देश भर में कहां पे अलग अलग कास्ट के हिसाब से कौन सी कास्ट की क्या सामाजिक भागीदारी है, क्या इनका लेवल ऑफ डेवलपमेंट है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और फाइनली इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश करी कि अगर आप चाहते हैं कि समाज में इक्वालिटी रहे और हम एक इक्वल समाज के तौर पे काम करें और बेस्ट टैलेंट स्किल लोगों को आ पाए पूरी आबादी से, तो आपको एक डेफिनेट लेवल पे लाना पड़ेगा उन्हें। तो ये कास्ट आधारित रिजर्वेशन, आपको यही द बेस्ट पॉसिबल वे इस कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन। तो ये इन्होंने अपने रिपोर्ट सबमिट करी 1980 में, कई सारे रिकमेंडेशंस किए, कई सारे रिकमेंडेशंस में से एक रिकमेंडेशन था कि 27% रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स। और भी कई सारे इनके ये थे सजेशंस, लेकिन इनको, इन बाकी सजेशंस को फिलहाल इग्नोर किया गया, क्योंकि ऐसे सजेशंस में ये भी था कि जिन पे जमीन नहीं है उनको जमीन दी जाए एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो तो और भी बड़ा एक भूकंप ले आता देश की राजनीति में। खैर, तो अब यहां से ये चीज शुरू होती है 1880 में जाके, कह लीजिए यहां तक में आते आते यहां से शुरू हुआ बैकवर्ड क्लास कमीशन, सेकेंड बैकवर्ड क्लास कमीशन बनाया जाना, रिपोर्ट आना, रिपोर्ट 1980 में करीब आ गई थी। यहां से 10 साल ही रिपोर्ट ठंडे बस्ते में पड़ी रही, इंदिरा गांधी राजीव गांधी के अंडर इन्होंने इस रिपोर्ट को अप्लाई लागू नहीं किया, क्योंकि ऑब्वियसली ये चीज लागू करने का मतलब कि देश की जो अपर क्लासेस हैं उनसे भिड़ जाना, उनको नाराज कर देना, जो कि कोई भी नहीं चाहता था, क्योंकि अपर क्लासेस के समर्थन के बिना सरकार चलाना और बड़ा मुश्किल था। तो खैर, फिर आगे अगले जो राष्ट्र ये प्रधानमंत्री बनते हैं ये है वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, जनता दल। तो खैर, अब आते हैं इलेक्शंस ऑफ 1989 के इलेक्शंस में जनता दल, ये अगर आप देखें तो 1985 के आसपास यहीं पे नेशनल कैंप बनाने ने शुरू कर दिया था। तो जनता दल लीडर जो थे वीपी सिंह, इन्होंने अपने चुनाव में ये वादा किया कि अगर ये जीत कर आते हैं और ये प्रधानमंत्री बनते हैं तो ये मंडल कमीशन को अप्लाई कर देंगे। और इन्हीं के साथ साथ ये जो मंडल की राजनीति हुई, इसमें रामविलास पासवान, मायावती, मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, वैसे बहुत सारे रीजनल लीडर्स बन के उभरे, जो कि
ये बैकवर्ड लोगों की राजनीति में आए कि हमें इनका रिप्रेजेंटेशन करवाना है। तो 1989 का चुनाव हुआ और 1989 का चुनाव एक घेराबंदी हो रही थी कांग्रेस के खिलाफ। तो अगर हम देखें कांग्रेस को मिली थी 197 सीटें। अच्छा, मेजॉरिटी के लिए आपको चाहिए 272 सीटें फॉर मेजॉरिटी, लोकसभा में आपकी मेजॉरिटी रहे। तो 272 सीटें तो हम देख रहे हैं यहां किसी की नहीं है। तो यानी कि आपको गठबंधन करना पड़ेगा। तो इधर ये है जनता दल जो है 143 सीट्स के साथ, बीजेपी है 85 सीट्स के साथ, सीपीआई सीपीएम दोनों कम्युनिस्ट पार्टी 12 सीट 33 सीट, इन सब ने मिल के समर्थन दिया। भारतीय जनता पार्टी, दोनों कम्युनिस्ट पार्टीज और भी रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, इन्होंने समर्थन दिया जनता दल को और एक गठबंधन की सरकार बनी कांग्रेस के खिलाफ। ठीक है, तो जनता दल, दोनों कम्युनिस्ट पार्टीज जो कि लेफ्ट फ्रंट की थी और बीजेपी जो कि राइट फ्रंट की थी, इन सब ने मिल के एक ग्रुप बनाया और तब जाके इस ग्रुप को मिल पाया मेजॉरिटी। और ये ग्रुप बना अगेंस्ट कांग्रेस। तो जो अगला प्रधानमंत्री बनेगा वो गैर कांग्रेसी बनेगा। और यहां से हमें ये पार्लियामेंट्री सिस्टम का ब्यूटी भी नजर आता है। सरकार उसी की बनेगी जिसके पास मेजॉरिटी होगी, आधे से ज्यादा सांसद जिससे एग्री कर रहे हैं। तो मेजॉरिटी के लिए अगर एक पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिली तो कई पार्टीज को साथ लेना पड़ेगा। तो इसके चलते क्या होगा, एक बैलेंस ऑफ पावर रहेगा। आप अपने मन मर्जी कुछ भी नहीं कर पाओगे कि जो भी ख्याल आया आपने कर दिया। तो इसके फायदे भी हैं, इसके नुकसान भी हैं। तो खैर, अब वो लिमिट कर रहा है आपको, तो फायदे से नुकसान दोनों के सेंस में। तो आप अच्छा फैसला कर लेना चाहो तब भी अड़चन आएगी, लेकिन खराब फैसला लेना चाहो तब भी अड़चन आएगी। आपको लोगों को साथ लेके चलना पड़ेगा, लोगों को विश्वास जीतना पड़ेगा। खैर, अब मंडल कमीशन में उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट थे रामास्वामी वेंकटरमन, इन्होंने पहले इस चीज को थोड़ा डिस्क्राइब करना शुरू किया, मतलब एक तरीके से इंट्रोडक्शन देना शुरू किया कि इस बिल में हम क्या लाने वाले हैं। प्रधानमंत्री थे वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, पूरा कैबिनेट इनका, मेजॉरिटी इनके पास, इन्होंने यहां संसद से पास करवा दिया। अब ये चीज होगा कि मंडल कमीशन लागू होने वाला है, तो फिर इसके खिलाफ कई सारे एजिटेशन होने लग गए दुनिया, मतलब ये देश भर में अलग अलग प्रोटेस्ट। और ये प्रोटेस्ट थे फॉर अगेंस्ट मंडल कमीशन, और ये ज्यादातर वो लोग थे जो अपर कास्ट के थे। इनको कई सारी चीजों से एक डर था, जैसे कि इनको ये इस बात की एक दिक्कत थी कि ये जो रिजर्वेशन आ रहा है सीटों में, ये डिनाय कर देगा इनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज से, कि जो बराबरी में जो सबको एक मौका मिल रहा है, ये मौका इनका कम हो जाएगा क्योंकि सीटें कम हो जाएंगी। तो जो सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बड़ा सेटबैक है। पहले कितनी सीटों के लिए तैयारी कर रहे थे, अब सीटें आधी हो गई, कॉम्पिटिशन बढ़ गया। दूसरी चीज, इसकी वजह से इन लोग का ये कहना था इट वुड परपिचुएट कास्ट फीलिंग्स, कि लोगों के अंदर ये जातिगत फीलिंग भावनाएं बहुत ज्यादा हो जाएंगी कि हम इस जाति के हैं उस जाति के, जातियों के बीच में आपस में लड़ाइयां होने लग जाएंगी और थोड़ा सा एक थोड़ा एनिमोसिटी और थोड़ा हॉस्टिलिटी इल फीलिंग आ जाएगा, जिसकी वजह से इट विल हैम्पर नेशनल यूनिटी, देश की एकता और अखंडता की बात आ जाएगी। तो ये इनका कहना था। दूसरी तरफ ऐसे मतलब इनके समर्थन काउंटर प्रोटेस्ट होने लग गए कि नहीं, मंडल के ये जो इनके रिकमेंडेशन है इसको लागू करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जो लोग इस मंडल कमीशन के इम्प्लीमेंटेशन के सपोर्ट में थे, इनका ये कहना था कि हमारे समाज में जो इनइक्वालिटीज है, यानी कि जो गैर बराबरी है, उसका जो बेस है वो कास्ट बेस्ड सोसाइटी है, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान हजारों सालों से जाति के हिसाब से चला है। ये जातियां ये करेंगी, ये जातियां ये करेंगी, इन जातियों को ये करने का हक नहीं है, इन जातियों को ऐसे ही रहना चाहिए, ऐसा वैसा ये सब चला है। तो इनका ये कहना था कि कास्ट बेस्ड सोसाइटी में कास्ट बेस्ड ही तो रिजर्वेशन होगा। आपने ऑप्रेस किया है अगर कास्ट के नाम पे, तो अपलिफ्टमेंट भी कास्ट के नाम पे होगा।
तो ये पॉसिबल हो पाएगा ऐसे ही जब जॉब्स में रिजर्वेशन और कास्ट के मुताबिक मिलेगा, और इससे इन सब लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगा, मौका मिलेगा उन कम्युनिटीज में, उन समुदायों में जहां पे इनका एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ऐसे बहुत सारे समुदाय हैं हिंदुस्तान में जिनकी आबादी बहुत है, लेकिन उन आबादी से अगर आप पूछो कि आपके पूरे समुदाय में कितने लोग हैं जो सरकारी नौकरियों में हैं, तो गिने चुने कोई या फिर तो है ही नहीं। कितने आपके समुदाय में हैं जो नेता हैं, या कितने आपके समुदाय में हैं जो अच्छे लेवल पे हैं, तो गिने चुने। कितने आपके समुदाय में जो अच्छा पढ़े लिखे हैं, तो वो भी गिने चुने। तो ऐसे लोगों को, ऐसे वर्गों को अगर आपको उठाना है, समाज की मुख्य धारा में लाना है, तो इन लोग का ये कहना था ये जरूरी है। तो खैर, अब ये डिस्प्यूट होता है, और कोई भी डिस्प्यूट होता है तो उसको रिजॉल्व करने का जो जिम्मेदारी है ये है सुप्रीम कोर्ट के पास। तो ये पूरा मुद्दा जाता है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट इन सारे केसेस को बंडल करते हैं एक साथ, और ये केस बनता है इंदिरा सोनी एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। और फिर फाइनली सुनवाई चलती है, सोच विचार चलता है। 1992 में कोर्ट ये ऑर्डर देता है कि ये जो सरकार ने ऑर्डर दिया, ये ऑर्डर वैलिड है, कि ये सही बात है कि अगर आपको समाज में इक्वालिटी लानी है तो आपको कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन देना पड़ेगा। इन्होंने हाँ, लेकिन हालांकि ये जरूर किया कि सरकार को इन्होंने ये जरूर कहा कि आप इस कानून को मॉडिफाई करें थोड़ा सा। मॉडिफाई के सेंस में कि आपने अदर बैकवर्ड क्लासेस को जो रिजर्वेशन देना है वो तो सही है, लेकिन अदर बैकवर्ड क्लासेस में ऐसे कई लोग हैं जो कि अच्छे, मतलब पढ़े लिख गए हैं, कमाने लगे हैं और ठीक ठाक पैसा आया है, एजुकेशनल बैकग्राउंड भी ठीक ठाक है इनका, तो ऐसे लोगों को, जो वेल टू डू लोग हैं, ऐसे लोगों को ओबीसी कैटेगरी में रिजर्वेशन नहीं मिले, नॉट टू गेट रिजर्वेशन। ऐसे लोगों को कहा गया क्रीमी लेयर में आते हैं। ओबीसी कैटेगरी में जैसे इन लोग की वेल टू डू लोगों में है, आप किसी समुदाय में पैदा हुए हैं, कास्ट पे मुताबिक है ना, आपकी कास्ट नहीं जाती है, कास्ट आपकी वही रहेगी। आपको मान लो पढ़ लिख गए, अच्छी नौकरी मिल गई, तो आपकी कास्ट थोड़ी चली जाएगी, रहेंगे तो ओबीसी में ही। आप पैदा किस परिवार में हो रहे हो, जैसे कि एग्जांपल, आप हिंदुस्तान पैदा हो तो आप हिंदुस्तानी हो, आप अमीर हो जाओ, खूब अमीर हो जाओ, तो ऐसा थोड़ी है कि अमीर होने के बाद अमेरिकन हो गए, अमीर होने के बाद भी तो हिंदुस्तानी रहोगे ना। तो वही चीज कास्ट पे भी है। जो मान लीजिए अपर कास्ट में कोई पैदा हुआ, तो अमीर हो चाहे गरीब हो, उस कास्ट का रहेगा, उस समुदाय से बिलोंग करेगा। शादियां होंगी आपस में होंगी, रिश्ते होंगे आपस में होंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा हर चीज में। यहां जो अब बैकवर्ड क्लास में पैदा हो गया, वो बैकवर्ड क्लास में ही रहेगा। अब वो भले पढ़ लिख जाए, पैसा कमा जाए, लेकिन फिर भी बैकवर्ड क्लास ही, क्योंकि कास्ट बेस्ड ही रहा है समाज, वो भी उसी कास्ट में रहेगी। कास्ट नहीं बदलती हिंदुस्तान के सेंस में। जो एक बहुत बड़ा हिंडरेंस का फैक्टर था, और जो इन सब की जड़ है, वो जड़ यही तो है कि कास्ट नहीं बदलती। पहले का जो जमाना था, 2000 साल पहले कह लीजिए, उस जमाने में कास्ट बहुत फ्लूइड चीज थी, कि अगर आप बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, आपका मतलब सोच विचार नहीं है बहुत ज्यादा, तो आप छोटा मोटा काम कर रहे हैं, तो आप उस कास्ट के हैं। अगर आप मतलब वो कपड़े बनाने का काम करते हैं, तो आप जुलाहा हैं, ठीक है। आप घड़े बना रहे हैं, तो आप कुम्हार हैं। तो काम जो थे, जो काम करने पड़े, वो कामों से आपकी कास्ट बनी। अब मान लो कोई आदमी घड़ा बना रहा है, तो उसको अच्छे से पता है घड़ा कैसे बनेगा। उसके परिवार में जो बच्चा पैदा हुआ, वो बचपन से घड़े बनाते देख रहा है, उसने अपने माँ बाप की मदद करी घड़े बनाने में, तो उसको पता है घड़े कैसे बनेंगे। तो बाय डिफॉल्ट वो रहेगा कुम्हार की कास्ट में। पहले क्या था कि ऐसे बच्चों को भी पढ़ाया जाता था, अगर पढ़े लिख गए तो वो, अगर खूब, अब क्योंकि जादू तो होता है कि 10,000 बच्चे पैदा हुए तो किसी एक के दिमाग में बड़ा, वो तो इसके लिए टैलेंट है, तो अगर वो इतना दिमाग का तेज है, खूब पढ़े लिख लिया, जानकार हो गया, तो वो ब्राह्मण में शामिल हो जाता था। बाद के टाइम में जैसे समाज आगे बढ़ा, ये बात मैं हजारों साल पहले की कर रहा हूं, उस टाइम पे कास्ट फ्लूइड थी, आप जो काम करोगे उसी हिसाब से आपकी कास्ट बदल सकती थी।
लेकिन बाद के समाज में ऐसा हुआ कि कास्ट बदलेगी नहीं, और बाद में तो ये हो गया कि आप काम भी नहीं बदल सकते अपना। आप कुम्हार के परिवार पैदा हो गए तो आपको घड़े ही बनाने, आप काम भी नहीं बदल सकते अपना, बाद में तो ये हो गया। तो इन्हीं सब गड़बड़ झालों की वजह से ही तो ये सब चीजों करने की नौबत आई, वरने नौबत ही नहीं आती। अगर फ्लूइड होता कास्ट सिस्टम, आपकी कास्ट बदल सकती है एक जगह से दूसरी जगह, और शादियां करने की बात आएगी तो कोई मना ही नहीं है कि आप किसी भी कास्ट में शादियां हो सकती हैं, तो ये सब बातें ही नहीं आती ना। तो ये सब चीजें करी गई कि जो वेल टू डू लोग हैं ओबीसी के, इनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। और ये फिर एक नया गवर्नमेंट ऑर्डर आया 28 सितंबर 1993 में इस इंप्रूवमेंट के साथ, ठीक है। तो ये सब हमने देखे, अलग अलग इनके फैसले, डिसीजन मेकर्स हमने देखा। अब यहां से हमें शुरू करना है द नीड फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की जरूरत क्या है। तो सबसे पहली चीज, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस का मतलब सरकार से रिलेटेड है। सरकार की जरूरत क्यों है? तो सरकार रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर एंश्योरिंग द सिक्योरिटी ऑफ द सिटीजन्स। सेना बना के रखना, उसका सिस्टम पूरा मेंटेन करना कि उस इलाके की सेफ्टी सिक्योरिटी सबसे पहली चीज तो ये है। और जितने भी लोग हैं इनको एजुकेशन फैसिलिटीज देना, हेल्थ फैसिलिटीज देना, ये सब भी सरकार का काम है। तो अब अगर आप सरकार का काम देखें तो इनको आर्मी भी बना के रखनी है, डिफेंस का भी ध्यान रखना है, इनको सरकारी स्कूल कॉलेज भी चलाने हैं कि लोग पढ़े लिखे तभी लोग काबिल बन पाएंगे, वरना अगर पढ़े लिखेंगे नहीं तो हम काबिल ही नहीं बन पाएंगे, तो फिर आप पूरे एक देश के तौर पे, समाज के तौर पे कमजोर रह जाएंगे। और हेल्थ केयर दे, अब इन सब चीजों में लगता है पैसा, तो सरकार अगर पैसा खर्च कर रही है तो सरकार पे भी तो पैसा आना चाहिए कहीं से। तो सरकार को पैसा कहां से आता है? इट कलेक्ट्स टैक्सेस पूरे समाज से, जनता से टैक्स कलेक्ट करती है सरकार अलग अलग फॉर्म्स में। जो पैसा कमाता है उससे इनकम टैक्स लेती है, जो पैसा नहीं कमाता है इतना कि इनकम टैक्स दे पाए उससे सामान पे टैक्स लेती है। वो जूता खरीदेगा, कपड़ा खरीदेगा, ट्रेन में ट्रेवल करेगा, कुछ भी जिंदगी में करेगा तो टैक्स देगा ही आपको। जो बहुत अमीर है, बिजनेस क्लास का है, आप उससे भी टैक्स लेते हैं। तो आप हर किसी से टैक्स लेते हैं, तो टैक्सेस आप लेंगे तो आप पे पैसा आएगा, उस पैसे को आप खर्च करेंगे। तो ये सरकार का बेसिक काम है, इधर से पैसा कमाना, यहां पे पैसा पब्लिक पे लगाना, ठीक है। और इसके अलावा कई सारे, मतलब फॉर्मुलेट्स एंड इंप्लीमेंट्स, कई सारी स्कीम्स चलाना, वेलफेयर प्रोग्राम्स चलाना, कई सारे और भी अलग अलग तरह के फैसले लेना, ये सब कुछ सरकार का काम है। जो कुछ इमीडिएट कुछ सिचुएशन आ गई, एनीथिंग, कुछ भी हो सकती है सिचुएशन, आगे की प्लानिंग करना, क्योंकि आम आदमी जो है वो अपनी जिंदगी में बिजी है। अब जैसे इस चीज की कल्पना करना कि आगे क्या होने वाला है, तो हमें किस तरफ देश को आगे ले जाना है, तो ये सब चीजें ऐसे लोग चाहिए जो जिनका काम हो ये सब सोचना, विचारना, इंप्लीमेंट करना, तो ये सब सरकार का काम। खैर, हम जब सरकार पे ये बात करते हैं कि सरकार एक तरफ पैसा कमाएगी दूसरी तरफ खर्च करेगी, तो यहां पे एक चीज आती है, अलग अलग जो राजनीतिक विचार हैं अलग अलग, इस ये क्या कहते हैं इस प्रोसेस के बारे में, तो ये भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग सी चीज है। तो सरकार के कुछ होते हैं इनकम सोर्सेस, कि सरकार पैसा कहां से कमाएगी, और खर्चे तो डेफिनेट है ही सरकार की, कि यहां यहां खर्च करना ही है सरकार को। तो सरकार अगर एजुकेशन पे, हेल्थ पे, डिफेंस पे, अलग अलग चीजों पे ढंग से खर्च कर पाए, इसके लिए सरकार को पैसा भी कमाना पड़ेगा। पैसा कमाने के लिए सरकार टैक्स लेती है, अगर सरकार को ज्यादा पैसा चाहिए तो टैक्स बढ़ाना पड़ेगा, तो टैक्स बढ़ा रही तो पब्लिक को ही तो दिक्कत हो रहा है। जो सबसे अमीर वर्ग है वो किसी ना किसी रास्ते से टैक्स देने से बच जाता है, आप उसे रोक नहीं पाओगे। जो मिडिल क्लास और जो गरीब है ये मरेगा सबसे ज्यादा, और इसी को तो फायदा पहुंचाना था आपको, तो कॉन्ट्राडिक्टरी बात हो जाती है। तो सरकार अगर टैक्स नहीं बढ़ाएगी ज्यादा तो पैसा कहां से लाएगी? तो दूसरा सरकार की कमाई होती है उधार ले। अच्छा, सरकार उधार लेगी तो उधार चुकाना तो पड़ेगा ना, तो कहीं हवा से पैसा थोड़ी आ जाएगा, इन्हीं लोगों से, जनता से टैक्स लेके उधार चुकाना पड़ेगा। यहां पे
पॉलिटिकल जो फिलोसफीज हैं, कैपिटलिज्म, पूंजीवाद जिसे कहते हैं, यहां से कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, कम्युनिज्म का एक फर्क समझते हैं। वैसे तो ये बहुत डीप थॉट्स हैं और इनके बहुत अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं। यहां पे हम सिर्फ गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड अर्निंग पे ध्यान देंगे, सिर्फ इस एस्पेक्ट को डिस्कस करेंगे। तो कैपिटलिज्म का कहना यह है सरकार का कोई काम नहीं है बिजनेस करने में, सरकार को बिजनेस नहीं करना चाहिए और सरकार को किसी बिजनेस में शेयर होल्डर भी नहीं बनना चाहिए। सरकार को सिर्फ सरकार वाला काम करे कि टैक्स कलेक्ट करे और पैसा कम है तो उधार मांगे, और उधार देने के लिए, सरकारों को उधार देने के लिए बड़े बड़े बिजनेसमैन है, वर्ल्ड बैंक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो उधार आपको देगा और जब आपको उधार देगा तो आपको उधार वापस भी करना है, और उधार वापस कर पाओ आप इसके लिए वो आपसे कहेंगे कि आप अपना टैक्स बढ़ाओ, आप ये करो वो करो, ये कीमतें बढ़ा दो वो कीमतें बढ़ा दो, तब तो आप हमारा उधार चुका पाओगे, नहीं तो उधार ही नहीं चुका पाओगे। तो सरकार को मजबूरन ये करना पड़ता है कि इस पे खर्चा कम करें, इस पे खर्चा कम करें और टैक्स बढ़ाएं, तो फायदा क्या हुआ? मतलब एट द एंड जब आपको जनता को ही तंग करना है तो फायदा क्या हुआ ये सब करने का? ठीक है, तो यहां से ये फिलॉसफी एक आती है। ये जब दुनिया, सारी दुनिया हमेशा से इसी सिस्टम में चली है कैपिटलिज्म, यहीं से ये फिलॉसफी आगे के टाइम में आती है सोशलिज्म यानी कि समाजवाद। समाजवाद में क्या है? इसका कहना ये है कैपिटलिज्म तो ये भी कहता है कि सरकार का काम ये भी नहीं है, सरकारी स्कूल चलाना, सरकारी हॉस्पिटल चलाने, ये भी सरकार का काम नहीं। कैपिटलिज्म तो ये भी कहता है कि सरकार का काम ये करना नहीं, आप गरीब हो तो आपकी दिक्कत है, गरीब क्यों हो आप? ठीक है, लेकिन खैर फिर भी इतने बगावतें हुई, इतनी बगावत हुई दुनिया भर में, अगर आप इतिहास पढ़े हर देश में गरीबों ने इतनी लड़ाई करी है कि जो अमीर लोग थे ये एक बात तो समझ गए कि अगर गरीबों को एजुकेशन हेल्थ नहीं दिया तो ये आके हमारे सर पे चढ़ के बवाल करेंगे, तो इसलिए बेहतर है इनको कम से कम इतना इनको दे दो कि ये आके हमारे सर पे बवाल ना करें। खैर, लेकिन अभी भी अर्निंग तो है नहीं। सोशलिज्म का ख्याल ये है कि सरकार को बिजनेस करना चाहिए तभी तो सरकार के पास पैसा आएगा, और अगर मतलब किस सेंस में, पूरी जनता है, जूता तो सबको ही पहनेगा, अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी का जूता पहनोगे तो आपका पैसा प्राइवेट हाथों में गया, सरकार को आपने थोड़ा सा टैक्स जरूर दे दिया लेकिन सारा पैसा तो उधर गया। आपने कपड़ा खरीदा, आपने पैसा दिया प्राइवेट हाथों को, आप मंजन कर रहे हो, शैंपू लगा रहे हो, आप कुछ भी खरीद रहे हो तो आपका पैसा प्राइवेट हाथों में जा रहा है, और जब आपको अस्पताल चाहिए तो प्राइवेट आदमी की जिम्मेदारी नहीं आपको अस्पताल देना, तो आप देखते हो सरकार की तरफ कि सरकार हमें फ्री में इलाज दे दे, पैसा आप दे रहे हो प्राइवेट लोगों को और उम्मीद कर रहे हो सरकार हमें पैसा दे, तो ये सिस्टम फॉल्टी है ना। तो सरकार खुद क्यों नहीं अपनी कंपनी बनाती, जूता बनाए, मंजन बनाए, सब बनाए, सरकी लोग खरीदे तो लोगों को पैसा सरकार पे आए, सरकार को और पैसा मिलेगा तो सरकार और पैसा खर्च कर पाएगी स्कूलों में, हॉस्पिटल्स में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जिससे कि जनता की जिंदगी और बेहतर हो पाए। सोशलिज्म का ये ख्याल था सरकार को बिजनेस में आना चाहिए, लेकिन अब ये जो ख्याल है सरकार को बिजनेस में आना चाहिए, ख्याल बिजनेसमैन लोगों को बहुत डरा देता है, बहुत डरा देता है, क्योंकि सरकार अगर बिजनेस करने लग जाए तो प्राइवेट लोगों की तो दुकानें बंद होने लग जाएंगी। दूसरी बात, अगर सोशलिज्म की भी बात है, सरकार अगर खुद का बिजनेस नहीं कर रही है, अगर आप सरकारी सिस्टम को क्रिटिसाइज करें कि यार सरकारी अफसर मेहनती नहीं होते हैं, ऐसा नहीं होते, वैसा नहीं होते, अगर सरकार बिजनेस नहीं कर पा रही तो दूसरे बिजनेसेस के शेयर्स खरीदे, दूसरे बिजनेसेस में हिस्सेदारी ले, क्योंकि ताकत है सरकार के पास। अगर आप चाहते हो आपका मंजन हमारे देश में बिके तो हिस्सेदारी दो, नहीं तो ले जाओ, और ऐसा नहीं कि तुम्हारे बिना ये देश मंजन नहीं करेगा, वो तो आप पे, आप कितनी ताकत एग्जर्ट करते हो। सोशलिज्म इस विचार में है कि सरकार को अपनी कमाई बढ़ानी चाहिए, उधार नहीं लेना है। दूसरी तरफ, तीसरी तरफ आता है कम्युनिज्म। कम्युनिज्म का ये कहना है कि सब कुछ, जितने भी बिजनेसेस हैं, ज्यादातर, ऑलमोस्ट ऑल, ये सरकार को होल्ड करने चाहिए, कि सारा का सारा पैसा सरकार पे आएगा तो सरकार सबसे एफिशिएंटली काम कर पाएगी। ये तो एस्पेक्ट है अलग अलग समाज, ये राजनीतिक विचारों के इस पॉइंट पे। अब इन्हीं के पॉजिटिव्स भी हैं, नेगेटिव्स भी हैं। अब जैसे कम्युनिज्म का इसमें पॉजिटिव में अगर आप देखें तो ये जरूर है कि सरकार ये सब चीजें करने में कामयाब हो सकती है, लेकिन कम्युनिज्म का इसी में एक नेगेटिव एस्पेक्ट आ जाता है कि जब सरकार सब कुछ होल्ड करेगी तो सरकार के पास इतनी ताकत आ जाती है कि अगर सरकार थोड़ा करप्ट हुई और
कुछ ऐसा हुआ तो ये डिक्टेटरशिप की तरफ जा सकता है और अलग अलग और दिक्कतें हो सकती हैं। सोशलिज्म की सरकार बिजनेस कर रही है, इतना फायदा नहीं हो रहा है तो सरकार को नुकसान हो रहा है, तो वो तो रियलिटी है कि कौन लीडर है, किस तरीके से कर रहा है, तो कितना अच्छा हो रहा है, कितना खराब हो रहा है, किस जगह पे हो, किस तरीके से हो, ये एक डिश है। ठीक है, ये एक डिश है, बना कौन रहा है, कहां पे बना रहा है, कौन सा सामान यूज करके बना रहा है। मतलब इट्स लाइक कि चाउमीन तो चाइना में भी है, दिल्ली में भी है, पटना में भी है, ठीक है, और चाउमीन तो 5-star होटल में भी चाउमीन है, एक गली के ठेले में भी चाउमीन है। तो चाउमीन तो एक डिश है ना। अब आप ठेले की चाउमीन खा के उल्टी कर रहे हो तो चाउमीन की गलती है या ठेले की चाउमीन की गलती है? तो खैर ये अलग अलग चीजें हैं। तो यहां से ये बात आती है पब्लिक फाइनेंस की, सरकार की जरूरत क्यों है, सरकार की इन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की जरूरत क्यों है, क्योंकि यही सब मैनेज करना है कि पब्लिक की नीड्स क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होगा, जो गैर बराबरी है समाज में, गैर बराबरी कैसे हटेगी। जो राजा महाराजा और पुजारियों का जो टाइम था, चर्च का जो टाइम था, उनमें उनके समाज में ये था ही नहीं कि हमें गैर बराबरी खत्म करनी है। वो तो गैर बराबरी बनाने पे ही उनका साम्राज्य चल रहा था कि हमें भगवान ने अलग से बनाया है, तुम लोग प्रजा हो, तुम्हारा काम है हमारी सेवा करना। वो तो गैर बराबरी पे ही उनका साम्राज्य चल रहा था। यहां पे सरकार जो बनाई गई जनता की, उसका काम है कि गैर बराबरी खत्म करे और मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी, चीजों की कीमतें जो हैं स्टेबल रहे। तो ये सब अलग अलग काम है जिन कामों के लिए सरकार की और अलग अलग इंस्टीट्यूशंस की जरूरत पड़ती है। तो इन्हीं सब कामों के लिए, इन्हीं सब अरेंजमेंट्स के लिए ऐसे अलग अलग इंस्टीट्यूशंस की जरूरत है। और इन अलग अलग इंस्टीट्यूशन से एक और चीज का फायदा होता है कि आप, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रश एनी गुड और बैड डिसीजन। जैसा कि मैंने कहा ये अभी, चाहे अच्छा फैसला हो चाहे बुरा फैसला हो, आप उसको हड़बड़ी में नहीं ले पाओगे। आपको पहले एक विधेयक लाना पड़ेगा, उस पर वोटिंग होगी, वो एक हाउस से दूसरे हाउस में जाएगा, तब प्रेसिडेंट पे जाएगा, और इस दौरान मीडिया उसकी चर्चा करेगी, देश भर में चर्चा होगी। तो कोई अच्छा फैसला हो चाहे खराब फैसला हो, कैसा भी फैसला हो, वो जल्दीबाजी में नहीं हो पाएगा। तो इसके चलते लोगों को सोचने विचारने का टाइम मिलेगा, बातचीत होगी। तो ये सब चीजें हैं। और ऐसे जो अलग अलग इंस्टीट्यूशन है, ये चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम है कि एक इंस्टीट्यूट दूसरे इंस्टीट्यूट देख रहा है कि गड़बड़ तो नहीं हो रही है। और जो संविधान है, संविधान हर इंस्टीट्यूट की ताकत और हर इंस्टीट्यूट के कामकाज, वो करेगा क्या, उसकी ताकत क्या है, उसका काम क्या है, ये सब डिफाइन करता है संविधान। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम देखें तो ये जो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस की वजह से जो डीले होता है, जो कॉम्प्लिकेशंस होता है, ये कई बार यूजफुल भी होते हैं। ठीक है, तो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के सेंस में जो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, एक तो हम देखेंगे प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल, इनके बारे में, जो कि एग्जीक्यूटिव वर्ग में आते हैं, चीजों को एग्जीक्यूट करना, ये एक टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन है। दूसरा टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन सिविल सर्वेंट्स, जो कि इन मंत्रियों के साथ में काम करते हैं। और तीसरा एक इंस्टीट्यूशन सुप्रीम कोर्ट। तो तीन तरह के इंस्टीट्यूशंस हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो पहले शुरुआत करते हैं पार्लियामेंट के साथ, संसद। तो जितने भी डेमोक्रेसीज हैं, इसमें एक असेंबली होती है ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, चुनाव में जो लोग चुनकर आए हैं, ये लोग एक जगह पे एक साथ बैठते हैं, और ये होता है सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटी ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। ये लोग जो चुन के आते हैं संसद में पहुंचते हैं। और इंडिया में अगर देखें तो एक संसद नेशनल लेवल पे है, जो कि दिल्ली में है पार्लियामेंट। और इसके अलावा जितने भी अलग अलग राज्य हैं, हर राज्य के लेवल पे अपनी एक राज्य सरकार है, जिसको हम लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। सेंटर के लेवल पे पार्लियामेंट या संसद, राज्य के लेवल पे विधानसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली। अब पार्लियामेंट के काम देखते हैं। तो जितने भी लोग चुनकर आए संसद में आए, और अब ये लोग क्या क्या करने वाले हैं, तो पार्लियामेंट इज द फाइनल अथॉरिटी फॉर मेकिंग लॉज, कानून बनाने के लिए फाइनल अथॉरिटी पार्लियामेंट है, कानून ये बनाएगा। कोई राजा या कोई पुजारी, चर्च, ये लोग कानून नहीं बनाएंगे।
तो इन्हीं को तो लेजिस्लेचर कहते हैं, इन्हीं को कहते हैं। ये लेजिस्लेचर की बात कर रहे हो क्या आप? तो ये भी तो मोर ऑर लेस इसी चीज का हिस्सा है। ये स्टेट के लेवल पे करेगा, वो सेंटर के लेवल पे करेगा, और दोनों की पावर्स मतलब अलग अलग है। लास्ट चैप्टर में हम ये भी देख चुके हैं, ये स्टेट लिस्ट आती है, एक यूनियन लिस्ट आती है, ठीक है। तो सबकी पावर्स अलग है। किसी राज्य में वहां उस राज्य में क्या एजुकेशन में चेंज करना है वो ये फैसला करेगा, ठीक है। और हमें एक देश के लेवल पे किस देश से हमने क्या ट्रीटी करनी है वो ये फैसला करेगा। तो अलग अलग लेवल के हिसाब से इनकी पावर्स एंड फंक्शन सब डिफाइंड है, डिसाइडेड है। तो खैर, ये फाइनल अथॉरिटी है जो कानून बनाएगी। कोई राजा महाराजा या कोई चर्च कानून नहीं बनाएगा, अब सरकार कानून बनाएगी। सरकार में भी अब अगर देखा जाए तो पार्लियामेंट, ये लॉ मेकिंग, और इस वजह से इसको कहा जाता है लेजिस्लेशन, कानून बनाना, और इन असेंबलीज को लेजिस्लेचर्स कहा जाता है। और पार्लियामेंट पूरी दुनिया में, ये पार्लियामेंट है जो नए कानून बनाती है। जो एग्जिस्टिंग कानून है उन एग्जिस्टिंग कानून में अगर कोई बदलाव करने हैं तो पार्लियामेंट में होगा। किसी कानून को अगर एबॉलिश करना है, रोकना है, तो वो भी इसमें पार्लियामेंट में ही होगा, ठीक है। तो कानून से जुड़ी सब चीजें पार्लियामेंट। इसके बाद पार्लियामेंट में एक जो हम कह रहे हैं ना कि जितने भी लोग चुनकर आए उसमें ग्रुप बनेगा, जिसके पास मेजोरिटी होगी उस ग्रुप की सरकार होगी। तो कौन सरकार चलाएगा? ये सरकार चलाने वाले लोग कहां से आएंगे? पार्लियामेंट से ही आएंगे, ठीक है। तो दोज हू रन द गवर्नमेंट, और जो लोग सरकार में होंगे वो सब तरह के फैसले ले सकते हैं जब तक उन्हें पार्लियामेंट का सपोर्ट हासिल। इसके बाद जितना भी मनी मैटर्स है, पैसा कहां खर्च होगा, ये सब पार्लियामेंट डिसाइड करेगी, ठीक है। अगेन वही बात, कोई राजा महाराजा धर्मगुरु डिसाइड नहीं करेंगे कि पैसे का क्या करना है। इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज पब्लिक मनी कहां कहां होती है? जो पार्लियामेंट जहां सैंक्शन करती है वहीं पे पैसा खर्च होगा। यहां पे हम जरा देखते हैं, अगर हिंदुस्तान के सेंस में ये है, 2021 के बजट के मुताबिक ये एक रिप्रेजेंटेशन है कि अगर हमारी सरकार एक रुपए खर्च करती है तो कहां कहां एक रुपए खर्च हो रहा है। तो सबसे पहले 20 पैसा, अगर एक रुपया खर्च कर रही है तो 20 पैसा इंटरेस्ट पेमेंट कर रही है, जो पहले उधार लिया है उस उधार को चुकाने का। तो सोचिए, जितना भी पैसा खर्च हो रहा है 1/5 ऑफ द मनी खर्च हो रहा है उधार चुकाने में। बड़ा एब्सर्ड इलॉजिकल सी बात है। आप पे पैसे की कमी थी, इसी वजह से तो आपने उधार लिया था, और जो पैसा आप कमा रहे हो उससे उधार चुका रहे हो। खैर, इसके बाद ये सेंट्रल गवर्नमेंट के सेंस में स्टेट्स को आपको शेयर देना है, तो 16 पैसा स्टेट्स पे चला गया। कई सारी स्कीम्स अलग अलग हैं, इसमें 13 पैसे चले गए। अदर एक्सपेंडिचर्स 10 पैसे, फाइनेंस कमीशन अदर ट्रांसफर्स इसमें 10 पैसे, सब्सिडीज जो अलग अलग गैस सिलेंडर की सब्सिडी और ऐसा ऐसा इसमें कह लीजिए 9 पैसे, डिफेंस में 8 पैसे, एक रुपए खर्च हो रहा है तो 8 पैसा जा रहा है आर्मी एंड डिफेंस में, 5 पैसा जा रहा है जो पुराने सरकारी अफसर थे उनकी पेंशन में। तो मोर और लेस ये एक डिस्ट्रीब्यूशन है, सरकार का पैसा खर्च होता है तो कहां कहां खर्च होता है। इसके बाद पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट ये हाईएस्ट फोरम है फॉर डिस्कशंस एंड डिबेट, क्या किस तरफ हमारे समाज को ले जाना है, क्या कानून आएगा क्या नहीं आएगा, क्या फायदे क्या नुकसान, ये सब डिस्कशंस पार्लियामेंट में होंगे। और जो ये फैसला करेंगे कलेक्टिवली उसी हिसाब से डिसाइड होगा कि देश किस तरफ बढ़ेगा। और किसी भी मैटर से रिलेटेड कोई जानकारी हासिल करनी हो तो पार्लियामेंट को पूरा अधिकार है कि वो पूरी जानकारी हासिल करे। ये है फेडरल टैक्स रिजर्व, ये अमेरिका के सेंस में है कि अमेरिका की सरकार जितना पैसा खर्च करती है तो कहां कहां पे खर्च करती है। तो सोशल सिक्योरिटी, हेल्थ, इनकम सिक्योरिटी, मेडिकल, डिफेंस, एजुकेशन, इंटरेस्ट, ये भी उधार चुका रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब चीजें। और ये भी एक फैक्ट है अमेरिका के सेंस में, देखिए अमेरिका जो सुपर पावर है ये भी नेट इंटरेस्ट चुका रहा है।
इसने भी उधार ले रखा है, दुनिया के सब देशों ने उधार ले रखा है। तो अगर हम दुनिया के सेंस में देखें तो पूरी दुनिया के अलग अलग देशों ने उधार ले रखा है, तो हमें उधार चुकाना किसको है? ये भी बड़ा एक आयरनी, हाँ वही वाली बात है कि आपको बैंकों को उधार चुकाना है, सरकार बैंक्स। तो ये भी दुनिया को एक देखने का, जितना भी बैंक पैसा छापता है एक्चुअली डेट में आता है, आप उधार ले रहे हो कहीं ना कहीं से, भविष्य से। इनफैक्ट लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, जितने भी लोग चुने जाते हैं पार्लियामेंट में आते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसीज होते हैं, ये भी हम पिछले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। जैसे यूपी में 80 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, यूपी से 80 लोग जाएंगे संसद में, महाराष्ट्र 48, वेस्ट बंगाल 42 आबादी के हिसाब से, ठीक है। अब पार्लियामेंट के हाउसेस, तो ये जो संसद है, संसद में भी दो हाउसेस हैं, एक है लोकसभा एक है राज्यसभा, तो टू हाउसेस। पहला है जिसको हम कहते हैं हाउस ऑफ द पीपल, हाउस ऑफ द पीपल को ही कहा गया लोकसभा। जो लोग चुनाव में जीत कर आते हैं वो लोकसभा में बैठते हैं, ठीक है। लोकसभा ये जो आपको दिखाई दे रही है, संसद में, लोकसभा सेंटर के लेवल पे दिल्ली, ठीक है। तो जो चुनकर आते हैं लोकसभा में आते हैं, दे आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय पीपल। और इसके बाद दूसरा है राज्यसभा, जिसको हम कहते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स या राज्यसभा। राज्यसभा में जो लोग होते हैं दीज आर इलेक्टेड इनडायरेक्टली, इनका चुनाव नहीं होता जो राज्यसभा में जो बैठते हैं, इनको इनडायरेक्टली चुना जाता है। और इनका काम क्या है राज्यसभा के सेंस में, इनका काम दो तरीके का है। पहली तो बात तो लुक आफ्टर द वेरियस स्टेट्स, राज्यों के लेवल पे इनको देखना है, अलग अलग राज्यों के लेवल पे, और कीप अ चेक ऑन लोकसभा। ये चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम है डेमोक्रेसी। तो जितने भी लोग जनता से चुनकर आए वो लोकसभा में आ गए, लेकिन लोकसभा में भी एक चेक इनको लगाया गया राज्यसभा कि ये कोई भी कानून अगर लाएंगे तो वो कानून यहां से पास हुआ तो यहां पे जरूर आएगा, यहां से भी पास होना जरूरी है। जब यहां से पास हो जाएगा तो प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट जब पास करेगा तब वो जाके कानून बनेगा, कि कोई भी गड़बड़ कानून अचानक से यूं ना बन पाए। तो ये एक चेक भी रखता है राज्यों के लेवल पे भी चीजों का फैसला करना, है ही सेंटर के लेवल पे, लेकिन सेंटर के लेवल पे राज्यों ने अपने अपने जगह से अपने प्रतिनिधि भेजे हैं, राज्यों के प्रतिनिधि जो सेंटर में। अभी आएगा आगे, जो अलग अलग राज्यों के MLAs हैं वहां से ये चुन के आते हैं, और कुछ राज्यसभा के मतलब ऐसे इनको प्रेसिडेंट चुनते हैं। उनमें से चुने जाते हैं कई सारे लोग, और इसका भी प्रॉपर पूरा तरीका होता है, प्रॉपर प्रोसेस होता है। और ये चीजें अभी इस 9th के लेवल पे नहीं है, ये सब 11th 12th के लेवल पे आएगा, कि कैसे किस फॉर्मूले से विधानसभा से पॉपुलेशन के हिसाब से वोटिंग होती है कि चुने जाते हैं कि वो राज्यसभा में भेजे जाएंगे, ठीक है। तो ये लोकसभा एंड राज्यसभा, और सारी ताकत लोकसभा के पास है, इनको ऐसा चेक बस लगाया गया है। और एक और चीज, क्योंकि इन ये जनता से चुनकर आए हैं, ये जनता से चुनकर डायरेक्टली जनता से चुनकर नहीं आए, इनडायरेक्टली आए हैं, जनता ने अपने विधायक चुने हैं, विधायकों ने आपस में से फिर भेजा गया है लोगों को जो राज्यसभा में, कुछ को प्रेसिडेंट ने चुना है जो अलग अलग फील्ड में बड़ा अच्छा काम किया, जैसे सचिन तेंदुलकर राज्यसभा के मेंबर, उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा लेकिन अपने फील्ड में बहुत अच्छा काम करें, अगर आप मतलब थॉट ये है कि देश में जो चुनाव लड़के आएगा वो नेता है, उसने कितने साल कार्यकर्ता रहा है, किसी पार्टी में कुछ किया है, चुनाव लड़ा है, तब जाके लोकसभा में आया है। जो लोग नेतागिरी में नहीं है, क्या उनका कोई रोल नहीं होना चाहिए कि देश किस तरफ जा रहा है, क्या कानून बने, क्या वो अपने राय विचार रखना चाहिए, उनको भी मौका मिलना चाहिए अपने राय विचार रखने का, आपने अपने फील्ड में बहुत अच्छा काम किया है। तो इन सब चीजों के लिए राज्यसभा है।
आप अपने फील्ड में बहुत अच्छा काम करें कि लगे कि आपकी राय बहुत यूजफुल हो सकती है लोगों के लिए। तो राज्यसभा को हम अपर हाउस कहते हैं, अपर चेंबर, एंड लोकसभा को कहते हैं लोअर चेंबर। कुछ मामलों में राज्यसभा के पास स्पेशल पावर्स हैं, लेकिन सुप्रीम पावर लोकसभा है, क्योंकि ये चुने हुए लोग हैं और लोकसभा से सरकार बनती है। प्रधानमंत्री लोकसभा से चुने जाते हैं। इसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये भी पार्लियामेंट के हिस्सा है, और ये भले ही लोकसभा राज्यसभा इनमें से किसी एक का हिस्सा ना हो प्रेसिडेंट, लेकिन फिर भी ये भी इसी पार्लियामेंट के हिस्से कहे जाएंगे। और जब तक दोनों हाउसेस से कोई बिल नहीं पास होता है, ये बिल पास होके आएगा प्रेसिडेंट के पास, और जब प्रेसिडेंट की सहमति मिल जाती है तब जाके वो चीज कानून बन पाती है। ठीक है, ये हमें प्रेसिडेंट्स हाउस है, ये राष्ट्रपति भवन। तो अब लोकसभा एंड राज्यसभा के सेंस में देखते हैं, टाइम खत्म हो रहा है, तो लोकसभा राज्यसभा यहां से हम कल शुरू करेंगे, और ब्रशअप हमने कर लिया है तो कल हम सीधा यहीं से शुरू करेंगे, लोकसभा राज्यसभा से। कुछ सवाल हैं तो पहले 5 मिनट सवालों पे डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे एक सवाल आया है कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, लेजिस्लेचर एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स को एक्सप्लेन करें, तो वैसे मैं कर चुका हूं, कल चलिए फिर कर दूंगा। दूसरा सवाल आया, गवर्नमेंट लोन क्यों लेती है? तो गवर्नमेंट लोन लेती है जब पैसे की कमी होती है, ऑब्वियसली खर्च करना है आपको, लोगों को तनख्वाह भी देनी है, लोगों को पेंशन भी देनी है, आपको डिफेंस का भी काम करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और पैसा कम है तो सरकारें उधार लेती हैं। तो वर्ल्ड बैंक और बड़े बड़े बिजनेसमैन, इन सब लोगों से उधार लेती हैं सरकारें, दूसरे देशों की सरकारों से भी उधार लेती हैं, जैसे न जाने कितने देश हैं जो चाइना से उधार लेते हैं, कई सारे देश अमेरिका से उधार लेते हैं। बिग बिजनेसेस टैक्स देने से कैसे बच जाते हैं, जैसे ये एक सवाल है, तो बड़े बिजनेसेस टैक्स देने से कई अलग अलग सेंसेस में बच जाते हैं, जैसे कि ये कैपिटलिज्म का सिस्टम जो है, इसमें शेयर्स होते हैं, शेयर्स कि आप इतने अमीर हैं, आपकी कंपनी है और कंपनी के जितने भी शेयर्स हैं शेयर मार्केट में उनकी वैल्यू कितनी है, तो वो आपकी वैल्यू भले ही कितनी भी हो, कितने भी ज्यादा हो, लेकिन शेयर्स में, क्योंकि वो शेयर का पैसा किसी भी इंसान को तब मिलेगा जब वो शेयर्स बेचेगा, तो अमीर लोग ये कहते हैं कि हम शेयर तो बेचते ही नहीं है, तो हमने शेयर जब बेचा नहीं तो हमें टैक्स किस बात का। ठीक है, तो एक तरफ वो शेयर्स पे टैक्स देने से बच जाते हैं, तो लूपहोल्स हैं। अच्छा, ये बड़े बड़े बिजनेसेस से टैक्स लेने का काम कौन करेंगे? बड़े बड़े लोग ही करेंगे, वो आपस में साठगांठ बन जाती, लूपहोल निकाल लेते हैं। तो हमारे पास शेयर्स है, हमारे पास रियल मनी है ही नहीं, तो हम टैक्स क्या दें? दूसरी बात, ये जितने बड़े बड़े लोग हैं ये लोन लेते हैं, ठीक है, लोन लेते हैं और लोन से ही इनका चल जाता है, ये अपने शेयर्स को एज अ वो कोलैटरल जमा कर देते हैं, कि जैसे 50 करोड़ के शेयर हैं, 50 करोड़ के शेयर मैं आपको वो दे रहा हूं एक तरीके से कोलैटरल, और मुझे आप लोन दे दीजिए इसके बदले। तो बैंक भी लोन दे देते हैं कि अच्छा, जब भी उनको बैंक को पैसा चाहिए होगा वो आपको शेयर बेच देंगे और पैसा बैंक को मिल जाएगा। तो आपने उनको अपने शेयर दिए और बैंक ने आपको लोन दिया, और आप ये दिखाओगे सरकार को कि अरे साहब हम तो लोन पे जी रहे हैं तो हम टैक्स क्या दें? और इसके बाद टैक्सेशन का सिस्टम, सरकार को सब पता है, क्योंकि सरकार किसकी है? पॉलिटिकल पार्टी की। वो लोग पॉलिटिकल पार्टी को पैसा दे देगा। सरकार एक कुर्सी है, कुर्सी पे जो बैठेगा उस बैठने वाले को अगर आपने मना लिया तो बैठने के बाद भी वो कुछ नहीं करेगा। और दूसरी बात, ये बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, उन पे हाथ कौन डालेगा? तो ये भी एक तरीका है। और एक तरीका ये है कि ये अपनी कंपनीज को ऐसी जगहों पे रजिस्टर करते हैं जहां पे टैक्स रेट जीरो है, जैसे अमेजन है, एप्पल है, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, पूरी दुनिया जानती है अमेरिका की कंपनीज है, लेकिन रजिस्टर कहां है? केमन आइलैंड्स में। रजिस्टर कहां है? किसी दूसरे आइलैंड में। मतलब ऑफिशियली कहां की कंपनी है? वहां की कंपनी। कोका कोला यूएसए की कंपनी है, सब जानते हैं, लेकिन कोका कोला ने कागजों में अपनी कंपनी का हेडक्वार्टर बना रखा वहां स्विट्जरलैंड में या कहीं और किसी आइलैंड में।
चाहे कहीं बना लो, कागजों में वो दिखाएंगे कहीं और। ऐसे देश हैं प्रॉपर, केमन आइलैंड्स हैं और ऐसे कई सारे आइलैंड्स हैं, ऐसे छोटे छोटे देश जहां पर जीरो टैक्स रेट है। जिसका फायदा क्या होगा, दुनिया भर की कंपनीज अपना ऑफिस उस देश को दिखाएंगे कि हमारा ऑफिस तो वहां का है, क्योंकि वो अमीरों का एक गठबंधन है कि ऐसे ब्रिटेन है, ब्रिटेन ने अपना एक आइलैंड उसको एक देश बना दिया और यहां पे जीरो टैक्स रेट है, तो सारी बड़ी बड़ी कंपनीज अपना ऑफिस वहां बनाएंगी। करना तो चाहिए लेकिन करेगा कौन? यूएन पे पैसे की कमी है, यूएन पे पैसा कौन देगा? ठीक है ना, तो ऐसे ये भी एक तरीका है टैक्स बचाने का कि कोका कोला कहता है कि हमारी, और छोटे छोटे नियमों में खेल जाते हैं कि हमारी जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला स्टोर है उस देश में, तो हमारी कंपनी रजिस्टर्ड है उस देश की और उस देश में तो जीरो टैक्स है, तो हम अमेरिका में टैक्स तो तब देंगे ना जब हम अमेरिकन कंपनी होंगे। हम अमेरिकन कंपनी है ही नहीं तो हम अमेरिका हमसे टैक्स ले ही नहीं सकता। हम जिस देश की कंपनी वहां पे हम टैक्स दे रहे हैं, और कई सारी कंपनीज हैं मल्टीनेशनल, वो इतने अलग अलग देशों में है, तो वो हमारा हेडक्वार्टर वहां है, हमारा वहां है, और कौन पूछ रहा है, जो भी पूछ रहा है वो सब सेटल हो जाता है मामला। और ये कह लीजिए कि जब ये सब चीजें पता चली, जैसे डोनाल्ड ट्रंप, और एक और चीज टैक्स रेट, आम आदमी के लिए टैक्स रेट, इनकम टैक्स 28% है, 30%, बिजनेसेस के लिए टैक्स रेट 7%, 10%, और अच्छा टैक्स रेट बिजनेसेस के लिए, इतने बड़े अमीर बिजनेसेस हैं उनको टैक्स रेट कम क्यों दे रखा है? इस मारे गवर्नमेंट ने हार के टैक्स कम किया है कि हम ज्यादा टैक्स रेट रखेंगे तो तब तो बिल्कुल नहीं देगा, पूरा ही खा जाएगा, तो कम से कम रखे टैक्स रेट कि कम से कम थोड़ा तो देगा पैसा, वो दे चाहे ना दे, मतलब ये उधार लेने वाली बात हो जाती है कि यार 100 रुपए तुझे देना है लेकिन 100 देना दे, 40 ही दे दे वाली बात है, तो सरकार इनका टैक्स रेट और कम करती है। और दूसरी चीज, जैसे ही सरकार बड़े बिजनेसेस को बोलती है कि आप टैक्स दो, तो ये सीधा कहते हैं कि साहब हम बोरिया बिस्तर उठा के चले जाएंगे किसी दूसरे देश में, और हम इतने लोगों को तनख्वाह दे रहे हैं, हम इतने लोगों को काम दे रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो सरकारें भी झुक जाती हैं कि सही बात है, या ये इनसे हमने लड़ाई कर ली तो अपना बिजनेस बंद करके चले गए तो इतने सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे। सब सेटिंग हो जाती है। और दूसरी बात, ये इतने महात्मा पुण्यात्मा थोड़ी बैठे हैं सरकारों में, इतने महात्मा पुण्यात्मा होते तो नेतागिरी कौन कर रहा है आज के टाइम में, पूरी दुनिया में कौन कर रहा है? जितने भी महात्मा पुण्यात्मा है, इंजीनियर डॉक्टर कुछ वो बन के एनजीओ चला के गरीबों को पढ़ा के वो जिंदगी भर ये कर रहे हैं, नेता कौन बन रहा है? और नेता अगर वो लोग बन भी रहे हैं तो ताकत में क्या आ पा रहे हैं? नेता बन जा रहे हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं, किसी को पता ही नहीं चुनाव भी लड़ रहे हैं, ताकत में कौन नेता बन रहा है? नेता बन के कौन ताकत में आ रहा है? सर्टेनली वो लोग तो नहीं आ पा रहे हैं जो ये कर पाए, ठीक है। और ये सब करना, इसके लिए बहुत विल पावर चाहिए। करना तो चाहिए लेकिन नहीं होता है, तो आप कभी मिलिए किसी, कभी सुप्रीम कोर्ट के किसी जज से पूछेगा जरूर कि आप क्यों नहीं करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज मारे गए हैं, वो अपने साथ के मरे हुए लोगों के केस नहीं खोलते हैं, तो फिर जो जिससे साफ उनके दोस्त को जिसने जिन लोग ने मारा, जब उनके लिए स्टैंड नहीं ले पाते तो फिर टैक्स देना वो सब तो बहुत दूर की बातें हो गए। अगर आप सर्च करें पूरे दुनिया भर में, अगर आप सर्च करें कितने जजों को मारा गया है पूरे दुनिया भर में अलग अलग देशों में, तो जब जुडिशरी अपने लिए नहीं खड़ी हो पाई तो दूसरे के लिए क्या खड़ी होगी? और दुनिया के सबसे डेंजरस प्रोफेशंस में से ये जज होना और जर्नलिस्ट होना दुनिया के सबसे डेंजरस प्रोफेशंस में से है, और यहीं से तो ये चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी, यही सब तो चैलेंजेस हैं डेमोक्रेसी के, इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड सिस्टम्स के, जहां नहीं है डेमोक्रेसी वहां भी यही हाल है। और यहीं से वाली फिलोसफीज जो इतना इनको ताकत मिली कि हम अमीरों से टैक्स ले लेंगे और ऐसा वैसा, खैर चलिए एंड करते हैं आज का सेशन, कल यहीं से शुरू करेंगे लोकसभा एंड राज्यसभा से।